तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोबाइल से फेसबुक पर ऐड कैसे चलाते हैं, और यदि हमारा कोई फेसबुक पेज है तो उस पेज का फेसबुक पर ऐड कैसे चलाएं। उसके लिए फेसबुक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद साइड में मेनू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और पेजेज इस पर जाएंगे। जाने के बाद स्पोर्टकिंग हमारा पेज है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अगर देखें नीचे से स्क्रॉल करेंगे और एड्स सेकेंड नंबर पर एड्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हुआ है। ये कह रहा है चूज ए गोल योर ऐड, तो किस प्रकार का तुम ऐड चलाना चाहते हो अपने फ़ोन से। तो गेट मोर वेबसाइट विजिटर के लिए, प्रमोट योर पेज, बूस्ट योर पेज, गेट मोर कस्टमर कॉन्टैक्ट, बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पेज। तो हम चाहते हैं अपने पेज को प्रमोट करना, तो प्रमोट योर पेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से हम ऐड को अपनी टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल सेट कर सकते हैं, किस टाइप की हमें टारगेट ऑडियंस रखनी है और हमारा बजट क्या होने वाला है, कितनी टाइम तक हम उस पोस्ट को फेसबुक पर रन कराएंगे, हमारी जियोग्राफी क्या रहने वाली है। तो हम पहले इसमें एडिट ऑडियंस पर जाएंगे। जाने के बाद हम अपनी कस्टमर या टारगेट ऑडियंस की एज सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम उनका इंटरेस्ट कर लेते हैं, इंटरेस्ट स्पोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद इसमें उनकी एज या जेंडर सेलेक्ट करेंगे। बैक किया इसे, उसके बाद हम देखिए इसमें एज सेलेक्ट की हमने, तो हम रखना चाहते हैं 18 to 30, इतनी एज के लोग हमारा ऐड देख पाए। और ओनली मेल में हमने मैन सेलेक्ट किया है जो हमारी टारगेट ऑडियंस। उसके बाद हम कितने सर्कल में अपना ऐड चलाना चाहते हैं, जिस लोकेशन पर हैं हम उस लोकेशन से कितनी रेडियस के अंदर ऐड चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसकी रेडियस सेट कर सकते हैं। तो मान लिया हमने नीचे अगर इस पर क्लिक करें तो हमने 50 मीटर यानी 50 मीटर की रेडियस में हम ये ऐड चलाना चाहते हैं। तो हमने इसका मैप सेट कर लिया है अपने टारगेट ऑडियंस को लिए। तो हमारे सक्सेसफुली हमने फ़िल्टर कर दिया है कि हम किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। अब हम इसमें बजट सिलेक्ट करेंगे। मान लिया हमने बजट 100 रुपये सिलेक्ट किया, तो 100 रुपये में ये दिखा रहा है 1.3K से 3.8K पीपल पर डे, इतनी रीच होगी। और यदि हम इसका टाइम बढ़ाते हैं, देखिए नीचे लिख रहा है संडे सैटरडे 2 मई 2020, ये ऐसे अगर हम टाइम इंक्रीज करते हैं तो नीचे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है यदि आप देखो। तो जितना हम टाइम इंक्रीज करेंगे अपनी पोस्ट के लिए उतनी ही कॉस्ट इंक्रीज होगी, पर रीच इंक्रीज नहीं होगी, रीच इतनी ही मिलेगी। तो हम यहाँ से कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसकी सभी सेटिंग करने के बाद हम अगर इसका पेमेंट कर देंगे, पेमेंट आफ्टर पेमेंट के बाद ही ये ऐड रन हो पाएगा। तो हम पेमेंट पर कुछ रह गया कि हाँ अपनी पोस्ट, तो पहले हमें किस पोस्ट को क्रिएट करना है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो को हम प्रमोट करना है फेसबुक पर, तो ये वीडियो हमने सिलेक्ट कर ली, स्पोर्ट की वीडियो जो बास्केटबॉल की वीडियो है इसे सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद इसका इंटरफेस देखिए इस प्रकार ये वीडियो दिखेगी, स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट एंड अदर एक्टिविटी ऑफ REC बांदा, ये सब दिख रहा है। इस प्रकार हमारी पोस्ट का रिव्यू होगा जब किसी हमारे जिन टारगेट ऑडियंस को हमने टारगेट किया है उनके पास जब ये पोस्ट जाएगी तो ऊपर जो रिव्यू दे रखा है उस प्रकार होगा। उसके बाद हम इसका पेमेंट कर सकते हैं, तो ये डिटेल हमें फिल करनी होगी। उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के बाद हमारी ऐड सक्सेसफुली रन हो जाएगी।